प्रिय विद्यार्थियों, सप्रेम नमस्कार। पिछली कालांश में मैंने आपको वाक्य शुद्धिकरण के विषय में समझाया था। उसमें आपके लिए कुछ पॉइंट समझाए थे कि किस कारण वाक्य अशुद्ध हो जाता है, जिसमें एक था अनुपयुक्त शब्दों के कारण, दूसरा था अनावश्यक शब्दों के कारण, तीसरा लिंग संबंधी अशुद्धियाँ, चौथा वचन संबंधी अशुद्धियाँ, पांचवा था पदक्रम संबंधी अशुद्धियाँ। आज हम शुरू करेंगे कारक संबंधी अशुद्धियाँ। कारक का उचित प्रयोग न करने पर भी वाक्य में अशुद्धियाँ आ जाती हैं। गलत विभक्ति का प्रयोग कर देने से वाक्य जो है शुद्ध हो जाता है, इसलिए हमें वाक्य को में सही विभक्ति का प्रयोग करना चाहिए। जैसे उदाहरण में आप देखिए, वाक्य है उदाहरण में, गुरुजी के ऊपर श्रद्धा रखें, गुरुजी के ऊपर श्रद्धा रखें। अब यहाँ ऊपर आ गया, ऊपर नहीं रखने हैं, क्या करना है, गुरुजी के प्रति श्रद्धा रखनी है। शुद्ध वाक्य होगा गुरुजी के प्रति श्रद्धा रखें, गुरुजी के प्रति श्रद्धा रखें, तो वाक्य जो है हमारा शुद्ध होगा। ठीक है ना, के ऊपर रखने से वाक्य अशुद्ध हो जाता है। वह बाजार में फल लाने गया है, दूसरा है वह बाजार में फल लाने गया है। अब बाजार में फल लाने गया है, इसको हम शुद्ध करेंगे, वह बाजार में नहीं, बाजार से, वह बाजार से फल लाने गया है क्योंकि बाजार से फल अलग होंगे, अपादान कारक। समझ में आ रहे है? बंदर पेड़ में बैठे, तीसरे बंदर पेड़ में बैठा है, इसको शुद्ध कर ही सकते आप। पेड़ में नहीं बैठेगा बल्कि पेड़ पर बैठेगा, बंदर जो है पेड़ पर बैठा है, बंदर पेड़ पर बैठा है। उसके बाद 5:10 है, पांच बजने में दस मिनट है। ठीक है। उसके बाद उसने प्राचार्य को निवेदन किया, उसने प्राचार्य को, प्रिंसिपल साहब को निवेदन किया, ये शुद्ध होगा, को नहीं आएगा, से आएगा। उसने प्राचार्य से निवेदन किया, उसने प्राचार्य से
निवेदन किया। ये इन सभी वाक्यों में गलत विभक्ति का प्रयोग किया गया था, इस कारण से शुद्धिकरण करते समय हमने विभक्ति को बदला है और उसको शुद्ध किया है। तो ये जो है कारक संबंधी शुद्धि होती है, ये आपको अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। अगला जो है सातवां वो है सर्वनाम संबंधी अशुद्धियां, सर्वनाम संबंधी अशुद्धियां। सर्वनाम संबंधी अशुद्धियां, गलत सर्वनाम का प्रयोग करने से वाक्य अशुद्ध हो जाता है, इसलिए वाक्य को शुद्ध करने के लिए हमें जो सही सर्वनाम का प्रयोग करना चाहिए। जैसे उदाहरण देखेंगे, अशुद्ध वाक्य और शुद्ध वाक्य। हमारे वाला मकान खाली है, क्या होगा इसका? हमारे वाला मकान खाली है तो हमारे वाला नहीं होगा, यहाँ पे होगा हमारा। क्या होगा? हमारा, हमारा वाक्य मकान खाली है, हमारा मकान खाली है। पिताजी ने मुझको कहा, पिताजी ने मुझको कहा, क्या होगा? पिताजी ने मुझको नहीं होगा, क्या होगा? मुझसे कहा। पिताजी ने मुझसे कहा। अगला उदाहरण देख लेंगे हम, मेरे को ये रुचिकर नहीं है, मेरे को यह रुचिकर नहीं है, मेरे को नहीं आएगा, इसकी जगह क्या आएगा? मुझे, मुझे यह रुचिकर नहीं है। एक उदाहरण और देखेंगे, तेरे को क्या खाना है? तेरे को क्या खाना है? तेरे को शब्द नहीं आएगा, क्या आएगा? तुम्हें, तुम्हें क्या खाना है? तुम्हें क्या खाना है? उसके बाद ये काम तेरे से नहीं होगा, ये काम तेरे से नहीं होगा। ये काम तुमसे नहीं होगा, नहीं होगा। तो ये पांच उदाहरण दिए आपको सर्वनाम संबंधी जो है इसके
अशुद्धि के उदाहरण। अब आगे जो आता है क्रिया संबंधी अशुद्धि, आठवां है क्रिया संबंधी अशुद्धि। गलत क्रिया का प्रयोग करने पर वाक्य शुद्ध हो जाता है, क्रिया कर्ता के अनुसार नहीं लगाई जाती तो भी वाक्य अशुद्ध हो जाते हैं, काल के अनुसार नहीं लगाई जाती तो भी वाक्य अशुद्ध हो जाता है। नंबर आठ, क्रिया संबंधी अशुद्धि, क्रिया संबंधी अशुद्धि। देखेंगे क्रिया का अनुचित प्रयोग करने पर वाक्य शुद्ध हो जाते हैं। गत सोमवार को वह जयपुर जाएगा, पहला वाक्य है गत सोमवार को वह जयपुर जाएगा, जयपुर जाएगा। अब गत लगा दिया, गत मीन्स पहले, पीछे, बीता हुआ, तो जाएगा कैसे होगा? क्रिया भविष्य काल की प्रयोग में ला रहे हैं और शुरू में गत सोमवार लगा दिया, तो यहाँ इसके अनुसार शुद्ध करना होगा। गत सोमवार को वह जयपुर क्या गया था, क्या होगा? गया था, गत सोमवार को वह जयपुर गया था, जाएगा नहीं। उसने मुझे गाली निकाली, उसने मुझे गाली निकाली। यहाँ निकाली क्रिया नहीं आएगी, गाली दी। उसने मुझे गाली दी, गाली देना होता है, उसने मुझे गाली दी। वे क्या करना मांगता है? वह क्या करना मांगता है? अलग ही भाषा हो गई। वह क्या करना चाहता है? वह क्या करना चाहता है? मांगता नहीं, वह करना चाहता है। वह क्या करना चाहता है? भीतर प्रवेश निषेध है, प्रवेश निषेध है, सीधा लिख सकते हैं भीतर क्या, प्रवेश तो अंदर ही किया जाता है, भीतर ही किया जाता है। तुम्हारे गए पर मोहन आया था, गए पर नहीं आएगा यहाँ, तुम्हारे जाने पर मोहन आया था, तुम्हारे जाने पर मोहन आया था। तो ये क्रिया संबंधी आपको समझ में आ गया, क्रिया का गलत प्रयोग करने पर वाक्य अशुद्ध हो जाता है। अगला जो है
वो है मुहावरे के कारण शुद्धि हो जाती है। अगर हम मुहावरे गलत प्रयोग कर देते हैं मुहावरों का, तो भी वाक्य जो है हमारा अशुद्ध हो जाता है। सही मुहावरे का प्रयोग करने पर वाक्य को शुद्ध किया जा सकता है। तो 9वां नंबर है मुहावरे संबंधी अशुद्धि, मुहावरे संबंधी अशुद्धि। इसमें देखेंगे आप पानी पीकर नाम पूछना निरर्थक है। पानी पीकर नाम पूछना निरर्थक है। मुहावरा क्या है? पानी पीकर नाम पूछना नहीं है, बल्कि क्या है? पानी पीकर जात पूछना निरर्थक है। जब पानी पी लिया फिर क्या जात पूछना? पानी पीकर जात पूछना निरर्थक है। निरर्थक है। केवल आँख छिपाने से काम नहीं चलेगा, काम नहीं चलेगा। मुहावरा है क्या है? आँख छिपाना नहीं है, आँख चुराना होता है। केवल आँख चुराने से काम नहीं चलेगा। आँख चुराने से काम नहीं चलेगा। उसने अच्छे अच्छों के दांत तोड़ दिए हैं, उसने अच्छे अच्छों के दांत तोड़ दिए हैं। दांत तोड़ना नहीं होता है मुहावरा, दांत खट्टे करना होता है। उसने अच्छे अच्छों के दांत खट्टे कर दिए हैं, उसने अच्छे अच्छों के दांत खट्टे कर दिए हैं। तो एक और देख लेंगे मुहावरे संबंधी अशुद्धि में। युग परिवर्तन का बीड़ा, युग परिवर्तन का बीड़ा कौन चबाता है? ये जो है मुहावरा ये गलत है। युग परिवर्तन का बीड़ा कौन उठाता है? युग परिवर्तन बीड़ा कौन उठाता है? तो इस तरह से मुहावरे संबंधी अशुद्धियाँ आने से भी वाक्य अशुद्ध हो जाते हैं। अगले जो है एक आता है दसवां है अशुद्ध वर्तनी के कारण अशुद्धियाँ। वर्तनी संबंधी लिख दो, वर्तनी संबंधी स्पेलिंग मिस्टेक,
वर्तनी संबंधी अशुद्धियाँ करने पर भी वाक्य जो है गलत हो जाता है, इसलिए हमको वर्तनी का पूरा ध्यान रखना चाहिए। देखेंगे कामायनी के रचयिता प्रसाद हैं, कामायनी एक ग्रंथ है के रचयिता प्रसाद हैं। अब रचयिता शब्द जो है यहाँ पे गलत लिखा गया है, इसको सही कई बार आपको लिखवाया हुआ है तो रचयिता सही लिखेंगे। कामायनी के रचयिता प्रसाद हैं। दूसरा वाक्य देख लेंगे, सावन की उज्जवल दुलाई सबको पसंद है, सावन की उज्जवल दुलाई सबको पसंद है। यहाँ उज्जवल शब्द जो है स्पेलिंग मिस्टेक है, आपको कई बार लिख के बताया हुआ है, देख लेंगे। साबुन की उज्जवल, उज्जवल में दोनों ज आधे होते हैं, उज्जवल दुलाई सबको पसंद है। आपको पसंद है उज्जवल दुलाई, तो इस तरह से स्पेलिंग मिस्टेक वाले भी आते हैं। देश की दुरावस्था सोचनीय है, देश की दुरावस्था सोचनीय है। इसको आप सही करेंगे, देश की दुरावस्था सोचनीय है। सोचनीय है, वहां पर एक सन्यासी रहते हैं, वहां पर एक सन्यासी रहते हैं। सन्यासी शब्द गलत है, वहां पर एक सन्यासी में बिंदी भी आती है और आधा ना भी आता है, तो इस तरह से स्पेलिंग मिस्टेक से भी बहुत सारी अशुद्धियाँ हो जाती हैं। आपका आशीर्वाद चाहिए, एक और लिख लो, आपका ये जो बहुत सारी मिस्टेक होती है, आशीर्वाद चाहिए, आशीर्वाद ये आरसीवाद हो गया, इसको करेंगे आपका आशीर्वाद चाहिए। तो इस तरह से ये जो होती है अशुद्धि आ जाती है हमारे लिए। तो एक और रह गई है, वो भी करा देते हैं आपको, 11वें नंबर की जो है, उसके बाद आपका वाक्य शुद्धिकरण जो है वो पूरा हो जाएगा। संयोजक शब्द, जोड़ने वाला जो शब्द होता है उस संबंधी अशुद्धियां भी हो जाती हैं। संयोजक
दो वाक्यों को जोड़ने वाला शब्द संयोजक शब्द कहलाता है। तो क्या होता है, संयोजक शब्द का उचित प्रयोग न करने पर वाक्य जो है हमारा अशुद्ध हो जाता है, उसको शुद्ध करना है। अशुद्ध वाक्य और शुद्ध वाक्य, तो सबसे पहले उदाहरण देखेंगे इसके। यदि वह रुपये मांगता तब मैं अवश्य देता, यदि वह रुपये मांगता तब मैं अवश्य देता। तो ये वाक्य संयोजक शब्द जो है तब इसने लगाया है, ये यहाँ पर तब नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा तो। यदि वह रुपये मांगता तो मैं अवश्य देता। तो यहाँ पर जो है संयोजक शब्द की ये शुद्धि है, जैसा बोओगे उसी प्रकार का काटोगे, जैसा बोओगे उसी प्रकार का अवश्य काटोगे। उसी प्रकार का अवश्य काटोगे, ये भी इस तरह से उसी प्रकार का नहीं आएगा, इसमें आएगा जैसा बोओगे वैसा काटोगे। जैसा के साथ हमेशा वैसा ही आता है, जैसा बोओगे वैसा काटोगे, जैसा के साथ वैसा आता है। क्योंकि वह छोटा है अतः वह धीरे चलता है, इसको शुद्ध करेंगे। क्योंकि वह छोटा है इसलिए वह धीरे चलता है, क्योंकि साथ इसलिए, क्योंकि वह छोटा है इसलिए वह धीरे चलता है। धीरे चलता है। एक और उदाहरण देख लेंगे इसका। यों ही मैं पहुंचा वह उठ गया, इसको शुद्ध करेंगे। ज्यों ही मैं पहुंचा त्यों ही वह उठ गया,
तो इस प्रकार से वाक्य शुद्धिकरण जो है वो आपका पूरा हो जाता है। इसमें इस प्रकार से 11 प्रकार की अशुद्धियाँ होती हैं, ये मैंने आपको समझा दिए हैं। इसके जो है आपको फोटो खींच के भेज दूंगा, ये आप मुख्य उत्तर पुस्तिका में कर लेंगे और अच्छी तरह से इसका अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।